सीबीएसई बोर्ड ने गुरुवार को 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। सुबह से ही नर्वस रहे पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स ने रिजल्ट देख राहत की सांस ली। दिन भर साइबर कैफे से लेकर स्मार्टफोन पर रिजल्ट देखने का दौर चलता रहा। आरपीएम स्कूल के कुलदीप गुप्ता ने 12वीं क्लास में 97.8% मार्क्स हासिल कर टॉपर बने और वहीं आरपीएम स्कूल के अन्य स्टूडेंट भी मेरिट सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पहले से तय तिथि के मुताबिक गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बोर्ड की वेबसाइट पर 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार बोर्ड सेंटर जाने से प्रति सब्जेक्ट मार्क्स देखने के लिए स्टूडेंट्स में ज़बरदस्त एक्साइटमेंट नज़र आया। सुबह से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स देखने के लिए एक्साइटमेंट रहे। मार्क्स देखने के बाद स्टूडेंट्स की टोलियों ने स्कूल पहुंचकर सफलता का जश्न मनाया। सफल होने वाले छात्र छात्राओं ने कहा कि नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए और क्लास में टीचरों के मार्गदर्शन में इस तरह की सफलता पाने में सफल हुए। सफल हुए छात्र छात्राओं ने कहा कि आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विस बनकर देश की सेवा करेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए 12वीं क्लास में सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्र छात्राओं ने सफलता का राज खोलते हुए बताया। ट्वेल्थ में 97.6। मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को है। मेरे टीचर्स हमेशा सपोर्ट किए, जो भी डाउट फंसता था हमेशा मेरा सपोर्ट किए, हमेशा वो डाउट क्लियर करते गए। और जो भी आरपी में पढ़ाते थे टीचर्स, इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि एक भी डाउट बसता ही नहीं था। हमेशा 8 या 9 घंटे हमेशा रोज का पढ़ता था और कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाता था। कंसंट्रेशन जो है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो कंसंट्रेशन मेरे अंदर थी। आगे ITN करना चाहता हूँ। समीक्षा सक्सेना 91.17। मैं सिर्फ हमने NCERT से पढ़ा, जो भी पढ़ा, और टीचर्स से हेल्प ली। बस जो रोज़ पढ़ाया जाता था स्कूल में, वही घर आके फिर जाके पढ़ लेते थे। और हाँ, अपनी फैमिली, अपने टीचर्स, स्कूल के टीचर्स। आगे नीट की तैयारी करनी है, निकल जाए तो डॉक्टर। आकाश ये बताइए, आप कितना परसेंट पाए हैं? 95% पाए। आप स्टडी के लिए क्या प्लानिंग के हिसाब से करते थे, क्या रूटीन था? जैसे हम सुबह उठते थे तो हमारे पीटी सर हैं, वो कहते थे कि सुबह उठ के जो पढ़ते हैं वो लोग हमें याद दिया होता है, तो सुबह 1-2 घंटे पढ़ लेते थे। उसके बाद फिर हम रोजाना वैसे को किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? सर, मैं अपने सारे टीचर्स को, बीबी सर, डीके सर और अग्रणी सर केमिस्ट्री के लिए, और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। आगे क्या बनना चाहते हैं? सर, मेरा सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। आकाश, आपने कितना परसेंट पाया? 94.6। आप अपनी स्टडी किस तरीके से, किस रूटीन में करते थे? स्टडी का कोई रूटीन नहीं होता है। जब मन एक कंटिन्यूस, अगर हम रेगुलर पढ़ेंगे तो क्या जा मन, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, रेगुलर पढ़ना चाहिए। इस सक्सेस के लिए किसको? आप पेरेंट्स और टीचर्स। आगे क्या बनने? आगे यही करना है। हर्षिता मनी त्रिपाठी। हर्षिता, आपने किस तरीके से स्टडी कर रही थी और कितना परसेंट मिला? मेरा 93.6 परसेंटेज है। और मतलब शुरुआत से ही मैंने मेहनत करी, पर यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के थे। किसी कोई भी डाउट होता था तो वो तुरंत आते थे और हमेशा बोलते थे कि कोई डाउट हो तो आप उससे क्लियर करें, और हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट। आप इसी सक्सेस को किसको क्रेडिट देना चाहते हो? सबसे पहले तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी को क्रेडिट देना चाहती हूँ, और दूसरा सिद्धार्थ। आगे क्या बनना चाहते हो? PMT का प्रिपरेशन।